लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D शेप्स, सर 2D शेप भी तो होगा। 2D शेप्स हम लोग कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रिलेटरल, वेरियस क्वाड्रिलेटरल्स की बात की थी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में 3D शेप्स क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं और क्या वैरायटीज है, वहां जाने से पहले ये देख लो, पहले एक बार तीन कॉलम बनाना, थ्री कॉलम्स बनाइए आप लोग। लीनियर सिस्टम, प्लेनर, चलो सिस्टम ना भी लिखो तो लीनियर, प्लेनर और स्पेस लिखो इसे। लीनियर का मतलब होता है वन डायमेंशन, 1D, प्लेनर 2D एंड स्पेस इज 3D, ठीक है। कॉपी करते रहो साथ साथ में, 1D, 2D एंड 3D। डायग्रामेटिकली अगर बनाना चाहोगे तो इसे ऐसे बना दो, या तो ये बनाओ या इसे 90 पे रोटेट कर दो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो 2D में पहुंच जाओगे, जहां पे एट अ टाइम दोनों डायमेंशन प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है, या तो अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हो तो अगर मान लो कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली है, मतलब कि वन डायमेंशन मतलब एक ही एक्सिस प्रेजेंट है, तो उसे या तो उस तरफ जाओ लेफ्ट में या राइट में आओगे। नहीं, अगर तुमने 90 पे रोटेट कर दिया इसे तो या तो ऊपर की तरफ आओगे या फिर नीचे की तरफ जाओगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमारे पास में ये चांस होना चाहिए कि हम ऊपर नीचे भी जा सके और आगे पीछे भी जा सके, तो वो सिस्टम प्लेनर सिस्टम हो जाएगा, जिसमें तुम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हो एट अ टाइम। बात समझ में आती है? तो फिर 3D का मतलब क्या होगा, 3D में तो हमने जगह छोड़ी नहीं कि एक और एक्सिस बना पाए, नहीं हमने जगह छोड़ी एक और एक्सिस बना पाए, वो कहां, इन दोनों के परपेंडिकुलर। सर वहां पे भी तो आएगा एग्जांपल, ये बात शायद मैंने ऑफलाइन में भी की थी कि अगर एक वॉल है, सबसे पहले एक रूम है और ये रूम में मान लो किसी एक एज की बात करोगे, रूम के किसी एक एज की बात करो चाहे ऐसे या ऐसे, वो वन डायमेंशन होता है, ठीक है ना, लीनियर सिस्टम में चला जाएगा वो। लेकिन अगर किसी पूरी वॉल की बात करोगे किसी पर्टिकुलर रूम में, तो फिर वो हो जाएगा 2D सिस्टम। और अगर पूरे रूम की बात करोगे तो मतलब कि उस वॉल के साथ साथ वो रूम के अंदर भी आ सकता है, तो इसका मतलब 3D सिस्टम हो जाएगा। समझ में 3D, ठीक है ना। यस सर, बना लो फिर चलते हैं। ओके सर, डन। डन सर, ठीक है। जब क्वाड्रिलेटरल की हमने बात की थी तो हम लोग देख रहे थे वहां पे, हम लोगों ने उसकी साइड लेंथ की बात की थी, साइड्स की बात की थी। फिर सेकंड पैरामीटर वहां पे ये आया था कि हमने एंगल्स की बात की थी, ठीक है ना, और वर्टिसेस की बात कर रहे थे। तो साइड्स, एंगल्स, वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल में था, तो यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर है 3D शेप्स में, वो क्या देखो एक बार, ये बुक में दे रखा है ना, पहला लिख लेना फेस, और वो क्या होता है, फ्लैट पार्ट, फ्लैट सरफेस पार्ट लिखो। सर इट्स नॉट क्लियर। सर इट्स क्लियर, सभी को प्रॉब्लम आ रही है सर इन बुक, दिस टॉपिक इज नॉट क्लियर। अगर प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन अगर ब्लर हो रही है या आवाज में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो रीजन करो, मीटिंग रीजन करो एक बार, फिर हो सकता है वहां से हो जाए। सही है, बुक के अंदर तो टॉपिक है ही नहीं। बुक में टॉपिक है ना, पेज 121 पे दिखेगा तुम्हें टॉपिक। वर्टेक्स लिखो एक बार,
कॉर्नर पॉइंट वेयर थ्री फेसेस मीट. नेक्स्ट हो जाएगा एज. वर्टेक्स एक पॉइंट होने वाला है, कॉर्नर पॉइंट होने वाला है, और फेस एक पूरा फ्लैट सरफेस का पार्ट होने वाला है. मतलब कि वो प्लेन प्लेनर होगा एक तरीके से, अगर फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हो तो. लेकिन एज एक लाइन होगी. ठीक है, तो लाइन वेयर टू फेसेस मीट वेयर यहाँ पे थ्री फेसेस मी के मीटिंग की बात होगी, लेकिन एज में टू फेसेस की मीटिंग की बात होगी. इसे हम एग्जांपल बना करके देखेंगे. तो बेसिक एग्जांपल 3D की जब भी बात करते हो तो क्यूब और क्यूबॉइड आते हैं वहां पे, है ना. एक बार बना लो डायग्राम और मेंशन कर दो वहां पे. ओके सर, ये पर्टिकुलर सर क्यूब बनाया कि क्यूबॉइड, तुम्हारी इच्छा. ये वर्टेक्स हो जाएगा, क्या ये एज हो जाएगा, ये वाला और वो पीछे वाला दोनों फेस जहां मिल रहे हैं उसे एज बोल दिया हमने. और ये पर, ये पूरा कितना ये हो जाएगा फेस हमारा. ठीक है, ठीक है यहां तक. यस सर. सर डन सर, प्लीज वेट सर. ठीक, डन सर. 2D फिगर में हम लोग दो डायमेंशन की बात करते थे, तो वो दो डायमेंशन में एक डायमेंशन का मेजरमेंट लेंथ बोल देते थे जनरली, और दूसरे डायमेंशन की लेंथ को हम ब्रेथ बोल देते थे. ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और इंक्लूड कर दो क्योंकि तीन डायमेंशन होती है. एक डायमेंशन एक्स्ट्रा और एड हो गई यहाँ पे, तो उसे हम हाइट से रेफर कर लेंगे. ठीक है ना, तो पहला लिख लेना यहाँ पे टाइप्स ऑफ 3D शेप्स में, लिख लेना टॉपिक डाल लेना. पहला लिखो क्यूबॉइड. फिर से बना लेना इसे, इसे नाम दे देना हाइट, पीछे हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी लेंथ. ये बनाने के बाद ये बना लेना साइड में, उस तरफ बना लेना. मैंने बना दिया था, फिर से रिप्लेस नहीं कर रहा इसे. कैन बी डिफरेंट सर. ठीक है सर, वेट. कितने फेसेस नजर आ रहे हैं? 6 फेसेस. तो हमारे जो रूम्स होते हैं बेसिकली वो बेसिक एग्जांपल है क्यूबॉइड का. तो वहां पे अगर छत की बात करोगे तो सीलिंग, फ्लोर और 4 वॉल्स. तो 4+1+1 6 फेसेस होंगे वहां पे. और वर्टिसेस कितने नजर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वर्टिसेस. ठीक है ना, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, लिखा जाता है वैसे. नाम अगर देना चाहो तो दे सकते हो उसे, ए बी
सी डी और नीचे जाओगे फिर ई एफ जी और एच, लिखना चाहो तो लिखो अदरवाइज। और डन। एजेस कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। डन सर। डन सर्वे। डन सर। हमने बात की थी रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर की, तो स्क्वायर स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का जहां पे एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे इसके बाद वाले केस में क्यूबॉइड की, सॉरी क्यूब की। तो क्यूब भी स्पेशल केस होता है किसका, क्यूबॉइड का, 3D क्यूबॉइड का। क्या हो जाता है, इक्वल सर, सब कुछ इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी को इक्वल होना पड़ेगा। और यहां भी सेम केस, 6 फेसेस होने वाले हैं, 12 एजेस होने वाली है और 8 वर्टिसेस होने वाली है। ठीक है, तो लेट लेंथ इक्वल टू ए, ए यूनिट्स। अगर लेंथ को तो मान रहे हो कि वो ए है, तो बी और एच को भी क्या होना पड़ेगा, बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए यूनिट्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो अगर ये ए होगा, ये ए होगा और पीछे ए होगा, तो फिर वो क्यूबॉइड की तरह दिखेगा, ठीक है। वर्टिस वर्टेक्स को नाम देना चाहो ए बी सी डी ई एफ जी एच तो दो, अदरवाइज अंडरस्टूड है वो। सर डन। सर वेट। सर डन। चैप्टर 11 दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखी थी वहां पे, कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर। यस सर। रेक्टिलिनियर शेप्स वहां पर वो थे, या रेक्टिलिनियर फिगर्स वहां पर वो थे जहां पे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हुए फिगर फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन कर्वीलिनियर में हम कर्व्ड सरफेस कर्व्ड बाउंड्रीज भी यूज कर रहे थे, याद दिलाना पड़ेगा। नो सर। अगर तुम ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अगर तुम लोगों ने स्टार की बात की थी, मान लो फाइव साइडेड स्टार्स की बात भी की थी अगर, तो सॉरी ये मैं बनाऊ बीच में, पर ये बनाना है स्क्वायर की नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ याद करना, रिकॉल करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज अगर किया था तो ये रेक्टिलिनियर फिगर्स थे, लेकिन अगर तुमने एक बाउंड्री भी, एक तरफ बाउंड्री भी अगर तुमने लोगों ने कर्व्ड ले ली है, तो वो रेक्टिलिनियर की कैटेगरी से निकल करके कर्वीलिनियर फिगर्स में चला जाता था, ठीक है ना। और ये तुम्हारा पूरा ही कर्वीलिनियर है। तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो स्ट्रेट भी प्रेजेंट है, तो स्ट्रेट से मतलब नहीं है, अगर एक भी कर्वीलिनियर कर्व्ड बाउंड्री प्रेजेंट है तो दैट मींस कि वो रेक्टिलिनियर तो नहीं होगा, तो ठीक है। तो यहाँ भी सेम केस होगा हमारे साथ, हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट सिलेंडर। सिलेंडर टॉपिक डाल दीजिएगा। डाल दिया। ठीक है, लिखना। इट हैज टू सर्कुलर प्लेसेस प्रेजेंट एट अपोजिट साइड्स एंड कर्व्ड सरफेस इन बिटवीन देम। ठीक है,
बनाना तुम लोग कभी भी सर चाहोगे। सर्कुलर फेसेस लिखा है ना? हाँ ठीक है। वेट सर डन सर डन। ठीक है, ये बुक में दे रखा है, तुम लोग भी लिखो सर। नो वर्टेक्स। टू सर्कुलर, टू कर्व्ड एजेस लिख लो। टू कर्व्ड एजेस। अब कहां पे होगी दो कर्व्ड एजेस? वो एक ये रही और दूसरी नीचे। नेक्स्ट। वन कर्व फेस और टू फ्लैट फेसेस, कहां पर होगा भाई वो? एक फ्लैट फेस ये रहा, दूसरा फ्लैट फेस ये रहा, और वन कर्व फेस कर्व मेरा। एग्जाम्पल, रिमोट सेल, पेंसिल सेल या पेंसिल खुद, अनशार्प्ड पेंसिल, ठीक है ना, पाइप्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सिलेंडर के। ठीक है, यस सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आप लोग, फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे स्फीयर। एग्जांपल, स्पोर्ट बॉल, अब वो फुटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल शेप में होती है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखना स्फीयर की, इट इज नो वर्ड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये डेफिनेशन बुक में नहीं लिख लेना इसे। इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। विच आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे किससे, लेकिन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट सर। आपने विच आर के बाद ये क्या लिखा है सर? इक्विडिस्टेंट। ओके सर। सर कॉल्ड एज द सेंटर, कॉल्ड एज सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक सर, डन। नो वर्टेक्स, नो एज, वन कर्व्ड फेस। फेस यहाँ पे कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक जो चार शेप्स की वैरायटीज हमने देखी है, थ्री डी शेप्स की वैरायटीज, वहां पे फेसेस कर्व्ड भी हो रहे हैं बहुत सी बार, एज भी कर्व्ड हो गई सिलेंडर के केस में, और वर्टेक्स और कर्व्ड फ्लैट का मतलब ही नहीं, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है सिंपली। तो स्फीयर में पॉइंट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो तुमने पकड़ा है यहाँ पे, ये स्फीयर जो है थ्री डी शेप में है, ये बना यहाँ पे फ्लैट है क्योंकि स्क्रीन फ्लैट है। अदरवाइज अगर तुम फील करोगे, ये जो तीन सर्कल्स बना दिए सर ड्रॉ करना है स्फीयर के अंदर, हाँ
तो अगर चेक करोगे तो 3D लुक यहाँ पे 3D फील, 3D वे में फील करो इसे एक बार। तो अगर बाहर की तरफ मान लो रेडियस मेजर करना चाहोगे या अंदर की तरफ करो या किसी भी पॉइंट पे करोगे तो वो इक्वल डिस्टेंसेस पे होते ही है। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के केस में, सर्कल के केस में क्या हो रहा था, सारी डिस्टेंसेस तुम लोग कहीं भी उसको मेजर करो उसे रेडियस बोल दिया तुम लोगों ने। यहाँ भी रेडियस होती है वो, ठीक है, स्फेयर की भी रेडियस होती है जैसे सर्कल की रेडियस होती है। तो सर्कल का बड़ा भाई स्फेयर होता है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट कौन? फोन का एग्जांपल हो जाएगा बर्थडे कैप, बर्थडे कैप हो जाएगा बिल्कुल। तो लिखना सर फोन का एग्जांपल आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन। और फ्लेवर कौन सा लोगे सर? स्ट्रॉबेरी का, चॉकलेट, चॉकलेट आपने ये जो लिखा है ना वो ब्लर आ रहा है। एफर्ट्स टू अ सिंगल पॉइंट, पर विच के बाद क्या है? कहाँ पे? विच के बाद टेपर्स, TAPERS। सर मीनिंग क्या होता है? बताते बिल्कुल, पहले यहाँ पे ये लिख लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो पहले। समझो इस बात को, डेफिनेशन जो लिखी मैंने उस बात को समझ लो पहले। सर्कुलर बेस है, तुम लोगों ने ले लिए, तीन सर्कुलर बेस लेना एक बार, ठीक है। सर्कुलर बेस पे जितने वो सर्कुलर बेस की जो बाउंड्री है वहां से एक्सटेंड करना शुरू करो ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी लाइन उठाओ, यहाँ से लाइन उठाओ, लाइन उठाओ, 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 ऊपर सर्कल से उठना शुरू हो, लेकिन दैट मस्ट टैप टैप टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, मस्ट टैप टू अ सिंगल पॉइंट। मतलब कि तुम चाहो तो इस तरीके से कोन बना सकते हो, ये भी तो कोन हो सकता है, किसी के ऐसे डिफेक्टिव निकल जाए मान लो अंदर से, ये भी तो कोन हो सकता है, ये भी तो कोन हो सकता है। इसको ड्रॉ करना है ना? बोलो क्या दोनों कौन कौन नजर नहीं आ रहे सर? इनको ड्रॉ करना है? हाँ करना है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे यहाँ तक अभी तक हम जो 6th और 7th और 8th क्लास में जनरली तुम लोग डील करोगे नॉर्मल से बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कि सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये वाला सिमेट्रिकल होगा। आई बात समझ में? तो इसे लिख लेना, ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन, राइट सर्कुलर कोन। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे बीचों बीच में से तो वो सिर्फ सर्कल के सेंटर से पार होगा, तो वो 90 डिग्री वहां पे बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जब एक्सिस बनाओगे या वो जो लाइन बनाओगे यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा, ठीक है, नहीं हो। इसीलिए राइट सर्कुलर, राइट मतलब राइट एंगल, इसीलिए राइट सर्कुलर कोन इतना लिख लो, राइट सर्कुलर कोन। ओके सर, डन सर, डन डन सर। सर वेट, वर्टेक्स कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे तुम्हें? वर्टेक्स कोई पॉइंट ऐसा है क्या जहाँ पे एक वर्टेक्स नजर आ रहा है? वन वर्टेक्स, वन फ्लैट फेस, कौन सा फ्लैट फेस है सभी में? नीचे वाला सर्कुलर, और वन कर्व्ड फेस वो दिख गया होगा हमको, ठीक है, और वन कर्व्ड एज, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट सर वेट, सर डन, सर डन, सर वेट, सर डन, सर वेट, सर डन। अगले दो टॉपिक जो आखिरी वैरायटी है, ई पार्ट हो चुका, एफ और जी।
पहला होगा प्रिज्म और दूसरा होगा पिरामिड, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना. सभी का? यस सर. यस सर. ठीक है, लिखो अब ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म इट हैज, ये काम की बात है यहां पर, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस. अभी से बता देता हूं, एक बार आगे टॉपिक आने वाला है पिरामिड, वहां पे एक ही बेस होगा लेकिन यहां पे दो बेस होंगे. जैसे सिलेंडर में हमने बात की थी, दो बेस मतलब, दो बेस मतलब ये दो बेस ऊपर नीचे, ठीक है, और इसके बीच में अगर जॉइन किया तो तुमने तो सिलेंडर बन रहा था, लेकिन अगर एक ही बेस था वहां पे और फिर अगर तुम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया था तो कोन बन रहा था वहां पे. तो ये वाला केस हो जाएगा प्रिज्म का, ये वाला केस हो जाएगा पिरामिड का. हो सकता है एक बार में समझ ना आए, ध्यान सामने लगाए रखो. इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस. ठीक है ना, इसे लिखो. शडन शडन ट्रायंगुलर बेसिस दो हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस. चल दिख नहीं रहा. देखा? सर समझ नहीं आ रहा. सही है सर, समझ नहीं आ रहा. सर एक बार फिर से बनाना इसको. यही फील करो कि एक ट्रायंगल ऐसे है और एक ट्रायंगल इसी के ऊपर है, ठीक है? इसके करस्पोंडिंग एजेस को मिला दो, करस्पोंडिंग वर्टेक्स को मिला दो, तो ये बन जाएगा. कहाँ सर? ओके ओके सर. तो ध्यान दो पहले, ये ए बी सी जो बनाया ऊपर, ए बी सी ट्राइंगल बन गया, डी ई एफ ट्राइंगल बन गया, और फिर रेक्टेंगल कितने बन गए, ए बी डी ई, फिर दूसरा रेक्टेंगल ए सी एफ डी, और तीसरा रेक्टेंगल बी सी ई एफ. देख गया, एक रेक्टेंगल सामने है और एक पीछे की तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से जा रहा है और जाकर के मीट हो रहा है वहां पीछे. ठीक है यहां तक? यस सर. सर तीन दो मिल गए. रेक्टेंगल तीन है यहाँ पे, ये जो पीछे देखो, ये ध्यान से, ये वाला रेक्टेंगल एक, ये वाला रेक्टेंगल एक, दूसरा रेक्टेंगल ये रहा जो पीछे आकर के मिल रहे इस तरीके से, और दोनों जब बाहर आ गए और इनको मिलाने वाला तीसरा रेक्टेंगल वो ये रहा. हाँ या ना? ओके सर. यस सर. ठीक है. Done, sir. कितने फेसेस हो जाएंगे यहाँ पे? फेसेस एक फेस, दो फेस, तीन, चार, पांच, तीन रेक्टेंगुलर फेस, दो ट्रायंगुलर बेस या फिर दो ट्रायंगुलर फेस. कितने फेसेस दिख गए तुम्हें? फाइव फेसेस. और वर्टेक्स कितने दिख गए बेटा? एक दो तीन चार पांच छह. ठीक है ना. और एजेस कितनी नजर आ रही है? एजेस एक दो तीन, तीन तो यही हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ. नाइन. नहीं समझ आया? ए बी पहली एज, दूसरी, तीसरी, चार पांच छह सात
पीछे की तरफ से आठ, नौ, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है फिर, हो गया। यस सर, यस सर, डन सर, यस सर। एक नोट बनाइएगा, ये हमने ट्राइंगुलर प्रिज्म देखा है, तो फिर सिंपली प्रिज्म क्या होता है? जहां पर दो जो बेसिस होते हैं वो सेम शेप के होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म लिया था तो दोनों बेस ट्राइंगुलर शेप में थे। तो अगर तुम लोग क्यूब की बात करोगे, मान लो कि तुमने क्यूब की बात की है, मान लो कि तुम क्यूबॉइड की बात करो एक बार, तो यहां पर तुम्हें नजर आएगा ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों ऊपर वाले बेस को देखो और नीचे वाले बेस को देखो, क्या नजर आ रहा है? स्क्वायर होता ही है, क्यों? क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि स्क्वायर प्रिज्म। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? वहां पे ट्राइंगुलर प्रिज्म था, इसका मतलब ये था कि दोनों बेस ट्राइंगल शेप में थे, यहाँ पे दोनों बेस स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर प्रिज्म नाम हो गया। और यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है बीच में? वहां पे तीन थे, यहाँ पे फोर रेक्टेंगल्स, फोर फोर बिटवीन टू स्क्वायर बेसिस, फोर रेक्टेंगल्स लिख दो, बस बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा वो। और यहां बात करो क्यूबॉइड की, हो गया वो? नो सर। यस सर, डन। ठीक है, डन सर। कितने फेस नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ? और नीचे भी है। और इनके बीच में कितने फेसेस फिर और रुक गए? एक, दो, पीछे वाला दो, सामने वाला तीन, और इधर साइड वाला चार। तो यहाँ पे सेम कहानी लिखो, इसे बोलेंगे लेकिन रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे वाले दो सर फेसेस क्या है? पैरेलल इक्वल होते हैं। हाँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है वो, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर रेक्टेंगल्स बिटवीन टू रेक्टेंगुलर बेसिस, तो चाहे ट्राइंगुलर प्रिज्म हो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो या फिर स्क्वायर प्रिज्म हो, हमें ये पता चल रहा है कि सभी में रेक्टेंगल्स या फिर फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल फंसा हुआ बीच में। ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, फोर रेक्टेंगल फंसे हुए बीच में, तो रेक्टेंगल स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, उसमें गलत नहीं है। तो चाहो तो फोर स्क्वायर्स लिख दो या फोर रेक्टेंगल्स लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का, क्योंकि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है जिसमें अपोजिट साइड के अलोंग एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है। ठीक है क्या? यस सर। तो नोट्स में जब रिविजन करोगे तो यह कंफ्यूज हो तो गलत लिखवा दिया मैंने, कि फोर स्क्वायर होते हैं, मैंने रेक्टेंगल लिखा दिया। यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया क्योंकि पिछले साइड पर अगर जाओगे तो वहां पे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इन बिटवीन, जो बेसिस पकड़ते हैं ऊपर नीचे, उनके बीच में रेक्टेंगल्स फंसा रखे हैं। तो आगे हमने इसलिए बात की, अगर है तो आगे इसलिए हम जब कंटिन्यू किया था इस टॉपिक को, तो प्रिज्म में एक स्क्वायर प्रिज्म देखा, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म देखा, तो बीच में हम रेक्टेंगल ही फंसाएंगे लेकिन बेसिस डिफरेंट ले लिए, एक बार स्क्वायर ले लिया एक बार रेक्टेंगल ले लिया, इस तरीके से। तो इसीलिए रेक्टेंगल है ना। ठीक है, चले आगे। यस सर, यस सर, टाइम पर पहले वाला, ठीक है ना, आखिरी टॉपिक आज का पिरामिड। सर एक बार पहले वाला दिखा दो, सर डन। यस सर, अब आगे कर लो। Done.
सडन ठीक है, लिखना पिरामिड में। वहां पे दो बेसिस थे हमारे पास, यहां पर एक ही बेस होगा। कल से तीन ट्राइंगल होंगे। अब वो बेस यहां पे इट हैज वन, ऐसा करो इसे लिख लो, इट हैज वन रेक्टिलिनियर, कर्व्ड नहीं चलेगा, वन रेक्टिलिनियर इसका मतलब कि सर्कल नहीं चलेगा, क्योंकि सर्कल चलाओगे और एक ही बेस लोगे तो फिर वो कोन बन जाएगा, या सर्कल अगर दोनों लोगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले केस में स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल की बात कर ली, लेकिन हमने सर्कल की बात नहीं की, क्योंकि कर्व्ड नहीं चाहिए हमें, रेक्टिलिनियर चाहिए। इट हैज वन रेक्टिलिनियर बेस। अब वो ट्रायंगल भी हो सकता है, देखें आगे देखेंगे अभी, पिरामिड ट्रायंगल बेस के साथ भी होगा और स्क्वायर बेस के साथ भी पॉसिबल है। इट हैज वन रेक्टिलिनियर बेस एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगल, ये ध्यान रखना, साइड फेस जो होंगे ट्रायंगल होंगे, वहां रेक्टेंगल थे पिछले केस में, साइड फेसेस आर ट्रायंगल। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, बुक में डेफिनेशन दे रखी है, ट्रायंगल साइड फेसेस आर कॉमन पॉइंट व्हिच इज आर ट्रायंगल टैपिंग टू अ कॉमन पॉइंट known as vertex of pyramid। ठीक है, तो रुको एक मिनट के लिए, पॉज दो, लिखना बंद करो, ये ट्रायंगुलर बेस लो एक बार, मतलब कि ये जो एज है इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाना है हमें, ये जो एज है इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाना है हमें, ये ट्रायंगल बनेगा ना इस तरीके से, और ये वाली जो एज है इसके ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा अच्छे से बनाएंगे हम इसे, ये ट्रायंगल बेस ये बनाना है और हाँ ये हो गया, हो जाएगा तुम्हारा क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म पिरामिड सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिड। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या होने वाला है, ट्रायंगल का, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड की बात करोगे आगे जा करके तो वो भी वहां पर भी जो तुम्हारे फेसेस होंगे साइड फेसेस होंगे वो ट्रायंगल शेप में होंगे, तो वहां से तो डिफरेंशिएशन मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करो सर ये भी करना है ड्रॉ, क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है। ठीक है, तो पहले रुको एक मिनट, बता दो फेसेस कितने दिख गए यहाँ पे, ट्रायंगुलर फेसेस यहाँ पे एक ये रहा साइड में, दूसरा पीछे की तरफ से तीसरा, और ये साइड में चौथा, ठीक फोर फोर यहाँ पे फोर, एक ये रहा फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस ये रहा सामने की तरफ से, yes, मतलब जितने नंबर जितने जो तुमने बेस पकड़ा है उसके पास जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने नंबर ऑफ फेसेस बनने वाले ट्रायंगुलर। ओके सर, समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, इसे लिख लेना, ट्रायंगुलर पिरामिड, और यहां लिख लेना स्क्वायर पिरामिड। कर लीजिए कॉपी। कर लिया। वेट, डन सर, वेट, यस सर, डन। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ये जो वर्टेक्स है इसी को वर्टेक्स बोला है ना, इसे एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स और वर्टेक्स, ठीक है, और सिमिलरली वहां पे भी। डन सर, सभी का डन सर, यस। अब लिखना, एक नोट बना लो आखिरी,
इफ इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड, अगर पिरामिड ट्रायंगुलर है मतलब कि टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे, चार होंगे, तीन फेस और एक बेस. इन अ ट्रायंगल ट्रायंगुलर पिरामिड ऑल फोर ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. Then it is known as tetrahedron. ठीक है, लिख लीजिए इसे. बस एक मिनट का टॉपिक और है, दो मिनट पेशेंस रखना, बस दो मिनट का टॉपिक और है. Pardon. Sir, done. ठीक है. Sir, wait. Yes, sir, done. Yes, sir, done. ठीक है. ये जितने भी 3D शेप्स हमने देखे, अगर तुम चाहो तो इसे खोल दो पूरे को और बिछा दो जमीन पे, तो वो 2D फॉर्म ले लेगा. राइट, तो लिखना है आखिरी टॉपिक नेट्स. बुक में दे रखा है नेट्स. नेट इज अ या नेट ऑफ 3D शेप इज अ टू डायमेंशनल फिगर, मतलब कि थ्री डायमेंशनल फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट कर दिया उस नेट ने. नेट का मतलब ये हुआ, दैट कैन बी फोल्डेड. प्लीज डेफिनेशन बेकार देती है तुमने. बट नेट ऑफ 3D शेप इज अ 2D फिगर दैट कैन बी फोल्डेड बैक. Sir, folded back into 3D. Same 3D shape. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे. कुछ एग्जाम्पल्स. सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट शेप, क्यूब. स्वीट बॉक्स. हाँ, क्यूब को अगर तुम लोग नेट बनाओगे इसका, तो मान लो कि वो कुछ इस तरीके से बनेगा. सिक्स बॉक्स. कैसे? सर फोल्ड है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करो, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करो, उसे उठा करके लाओ, वो पूरा का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से. कर पाओगे इसे? यस सर, हमने खूब बार किया है. अच्छा, ठीक है. और ये क्या है खूब बात? तो फिर चल, ये हो जाए तो बता देना. क्यूबॉइड का कर लेते हैं एक बार. सर हो गया, हो गया. क्यूब को और क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर प्रिज्म है ना, यहाँ पे लिखना. सर डन. ठीक है, बस दो डायग्राम हो रहे हैं. वेट, एक बार दिखा लो. नेक्स्ट टॉपिक क्या डाले? यस सर, डन. लिखो क्यूबॉइड.
अरे क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड ही बनाना है सर। इसका नेट कैसे बनेगा फिर? सर रेक्टेंगुलर ऐसा। ठीक है, दो डिफरेंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर सारे अगर इक्वल बना दिए तो क्यूब में बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, इसे लेकर क्या हो गया? इसे भी इस तरह बनाओ या तो, ठीक है ना? इसे बंद करना, फिर इसे बंद करना, फिर ऊपर वाला ढक्कन लगा देना और ये दोनों ऊपर नीचे बंद हो जाएंगे। ये अब सही है। डन डन ठीक है, डन डन। एक मिनट बस, प्रिज्म है मतलब कि दो बेस होंगे और तीन रेक्टेंगुलर फेस चाहिए। इसे अगर खोलना चाहोगे तो क्या करोगे? मान लो कि ये वाला जो है उस तरफ से खोल दो इसे, तो तीनों रेक्टेंगल तो साइड बाय साइड बन जाएंगे और दो ट्रायंगुलर फेसेस यहाँ बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर बंद करोगे तो पहले तो इस ट्रायंगुलर फेस को ऊपर की तरफ लाओ, फिर इसे अंदर की तरफ ले जाओ और उसे बंद कर दो, तो बन जाएगा प्रिज्म। हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है, फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म तो होता है, लेकिन अभी एक्सरसाइज पेंडिंग है। तो टेबल 13.3 पर देख लेना, यहाँ पे कुछ यही सेम शेप जो हमने इस सेशन में देखे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस दे रखा है, एक बार ये गो थ्रू करना। और एक्सरसाइज 13.2, सारे 10 क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में आपके लिए। आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, तो 10 क्वेश्चन देकर डरना मत, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। लाइकवाइज गेम की तरह से है ना, वो कितने क्यों फिट करने आपको फिगर में, ट्राई करिए, कल हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय सर।